हाय एवरीवन, आप सभी का मेरे वीडियो में फिर से स्वागत है। कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे। गाइस, आज हम फिर एक ऐसी नई जगह घूमने आए ना, जिसका हम आपको बता नहीं सकते। बस आप वीडियो को आप स्किप मत करिए, आपको ए टू जेड हम दिखाएंगे कि हम कहाँ पे आए हैं और क्या करने आए। सच में इतना मजा आने वाला है ना, आप बस वीडियो में लगे रहिए, आपको हम दिखाते हैं कि कहाँ आने वाले आए हैं, आपके लिए सरप्राइज है। तो फिलहाल अब जा रहे हैं हम टिकट लेने, बस टिकट लेने जाने वाले हैं, क्योंकि भीड़ तो बहुत कम है आज, जनसंख्या बहुत कम दिखाई दे रही है। चलो हम आपको दिखाते हैं टिकट कैसे मिलता है। लीजिए, मैंने टिकट ले लिया है, बस अब चल रहे घूमने के लिए। अब बने रहिए हमारे साथ, आपको दिखाते हैं, क्योंकि आज हम आए हैं कुतुब मीनार घूमने के लिए। सच बता रहे हैं, मजा आने वाला आपके लिए। हम जा रहे हैं, पहला गेट क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि यहीं से तो एंट्री होती है। चलो हम भी भाई अपना सामान चेक कराते हैं और एंट्री कार्ड चेक करा लेते हैं, फिर चलते हैं अंदर। भाई बने रहिए हमारे साथ। तो अपना सामान लेके उसको चेक करा ले, उसमें मेरी डायरी थी, जो टूरिस्ट की डायरी है ब्लॉगर की, तो उसको रोक लिए। वो लोग बोले कि अलाउ नहीं अंदर ले जाना, तो छोड़ दिए। बाकी सब चलो अभी दिखा दे, आप देख सकते हैं कुतुब मीनार कितना दूर से दिख रहा है। चलो आपको पास से भी दिखा। कुतुब मीनार हम 2016 में आए थे, फिर 2022 में आ रहे, टोटली 6 साल बाद। सच में वो चीज़, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है और हम भी थोड़े बड़े हो गए हैं 6 साल के अकॉर्डिंग में, सच बता रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। कुतुब मीनार के भी नाम से जान सकते हैं, और भारत की सबसे ऊंची मीनार के भी नाम से आप जान सकते हैं, क्योंकि ये भारत की सबसे ऊंची मीनार है, जिसे हम कुतुब मीनार कहते हैं। आप देख सकते हैं। सबसे अच्छा चीज हम बताए ना, यहाँ पे इंडिया को हो या फिर अदर कंट्री को भी, अब यहाँ पे सब चीज लोग आते रहते हैं, चाहे वो इंडिया का टूरिस्ट हो या फिर फॉरेन कंट्री का टूरिस्ट हो, चाहे भारतीय पर्यटक हो या फिर मतलब विदेशी पर्यटक हो, सबके लिए आराम से घूमने की व्यवस्था है। और आपका सामान वान हर चीज अच्छे से यहाँ पे रह सकता है, किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं। भारतीय पर्यटक स्थल होने के साथ साथ यहाँ पे भारत के हर कोने से लोग आते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और इधर अपने गुजरात से लेकर के केरल राज्य तक, सब जगह से यहाँ के भारतीय पर्यटक के होने के नाते कुतुब मीनार पे सब जगह के लोग आते रहते हैं। अब जैसे हम उत्तर प्रदेश से आ चुके हैं, आप तो देख ही रहे हो। देख लीजिए ये कुतुब मीनार का नजारा, जिसको आपने कल वीडियो में देखा था, मैंने बोला था स्टेटस पे कि कल जा रहे कुतुब मीनार, आज आप देख लीजिए आ चुके हैं। आपको बता दे, कुतुब मीनार एक ऐसा मीनार है जहाँ पे हर जगह पे आपको पोल दिखाई देगा, खंभा। आप चारों तरफ अगर देखेंगे अब नजर उठा करके, तो हर दीवार के साइड में आपको खंभा जरूर मिलेगा। बाहर से भी दिखा रहे, देखिए चारों तरफ पोल लगे हुए हैं, चारों तरफ पिलर लगे हुए हैं, खंभे लगे हुए हैं। आप जिस भी लैंग्वेज में आप समझ रही, देख लीजिए आप यहाँ से कुतुब मीनार कितनी हाइट पे है, सच बता रहे हैं। 6 साल बाद आने के बाद वो नजारा, वो रुतबा, सब कुछ चेंज हो चुका है। और देख लीजिए यहाँ पे बहुत सारे मजार भी हैं छोटी छोटी, और मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो सॉरी हम गलत नहीं बता सकते हैं, इसीलिए आप देख सकते हैं। सच में यार मतलब औसम पूरा दिख रहा है, आप देख लीजिए। आप इसे इस लोहे के स्तंभ को देख सकते हैं, जो कुतुब मीनार इस्लामी मस्जिद में के आंगन में लगाया गया था 4वीं शताब्दी में। आप देख सकते हैं ये तब से है आज तक, इतना भारी है, इतना मतलब पुराना होने के बाद भी ये आज भी वैसे ही पड़ा है। ये फॉरेन टूरिस्ट भी आते रहते हैं, आप देख सकते हैं बहुत सारे हैं, और भारत के कोने कोने से भी लोग आते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी लैंग्वेज के बारे में पढ़ा भी है, जाना भी है थोड़ा बहुत, मुझे आती भी है, तो अदर अदर जगह के लोग आते हैं तो मुझे पता चल जाता है हाँ कि कौन कहाँ से, सिर्फ लैंग्वेज से हम पता कर लेते हैं कि कौन कहाँ से है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं उधर ये फॉरेनर टूरिस्ट भी है, तो बने रहिए उनके साथ भी सेल्फी वेल्फी लेते हैं, क्या किया जाए। आप अगर बस से भी आते हैं तो इसके इस साइड में आपको बस अड्डा है, यहाँ मतलब बस स्टॉप है, आराम से आप आ सकते हैं, ठीक है। तो जो 6 साल पहले हम आए थे, वो सारी चीज़ें अब चेंज हो चुकी है, सच बता रहे हैं। यहाँ का लोकेशन बहुत सब चेंज हो चुका है, और आप देख लीजिए इस हिसाब से पता चलता है कि यहाँ पे कितने अदर अदर जगह के लोग आते रहते हैं, आप देख सकते हैं। सच में यहाँ की मीनारें ना सच में कितनी पुरानी हो चुकी हैं, और ये बलुआ पत्थर से मिलकर बना हुआ है, आपको पता भी है, पुरानी होने के बावजूद भी कितनी अच्छी और औसम दिखाई देती हैं। कहते ना कि ओल्ड इज़ गोल्ड, जितनी पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी इमारतें हैं ना, उन सब का रंग रुतबा आज भी वैसा है जैसा राजा महाराजा बना करके छोड़ कर गए थे। देख सकते हैं जो है ये खलजी का मकबरा है, और खलजी का मदरसा है, ये उसी समय की बनाया गया था। आप देख सकते हैं ये अलाई दरवाजा जो 1311 ईस्वी में बनाया गया था, उस समय के आज भी है, सच बता रहे। पुरानी चीज़ों में ना आज भी उतना जान है ना, कि आज भी वो पड़ी हुई है वैसे की वैसी। तो हम आपको अलाई दरवाजा का अंदर का सीन दिखा देते हैं, देख लीजिए कितना औसम है।
इसके बाहर बाहर थोड़ा थोड़ा करके गार्डन भी है जो इसकी खूबसूरती को दर्शाता है, आप देख भी सकते हैं। आप यहाँ से सेल्फी ले सकते हैं, आप यहाँ पे अकेले भी आ सकते हैं, अपने पार्टनर के साथ आ सकते हैं, दोस्त कजन ब्रदर किसी भी साथ आ सकते हैं, पूरा फुल इंजॉय के साथ, क्योंकि ये टूरिस्ट स्पॉट। आप देख सकते हैं कुछ फॉरेन कंट्रीज के भी लोग आ रहे हैं जो मजे ले रहे हैं, तो भाई हम तो इंडिया के हैं, हम कौन सा पीछे हटने वाला। आप देख सकते हैं ये अलाई दरवाजे का पीछे का है जो 1311 ईस्वी में बनाया गया था। देख सकते हैं कुतुब मीनार की खूबसूरती को दर्शाने वाला ये आउटसाइड, इसके बाहर बाहर बाहरी किनारे पे जितनी है वो गार्डन जैसे बनाया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट है इसकी जो विशालता को दर्शाता है, इसके जो भव्य रूप को दर्शाता है, यहाँ छोटे छोटे द्वार बनाए गए हैं और छोटे छोटे स्तंभ बनाए गए हैं, सच में उसकी खूबसूरती को दर्शाता है। आप देख सकते हैं, आपको हम दिखा भी रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर अच्छा दिखाने का, बने रहिए हमारे साथ। देख सकते हैं साधारण पोल है, अच्छा वाला पोल डिजाइनिंग पोल उस साइड आपको मिलेगा। देखिए जो नाइट का टाइम होता है उसकी खूबसूरती को दर्शाने के लिए यहाँ पे बहुत रंग बिरंगी सब लाइटें लगाई गई हैं, आप देख सकते हैं, और आप अच्छे से आनंद उठा सके उसके लिए गार्डन बनाया गया है। हम बता दें कि इसकी खूबसूरती को दर्शाने के लिए गार्डन सब इसके आउट किनारी सब बाहरी साइड में बनाया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जब यहाँ से प्लेन गुजरती है ना तो सच में सबसे औसम लगता है। आपको ये भी हम दिखाते हैं, आप देख लीजिए प्लेन यहाँ से इतनी पास से गुजरती है ना कि आप इसका आनंद बहुत अच्छे से उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ के बगल में ही एयरपोर्ट है। इसकी ऊंचाई तकरीबन है 243 फीट, आप देख सकते हैं इसकी ऊंचाई ही इसकी खूबसूरती को दर्शाता है। इस कुतुब मीनार को बनाने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक है जो 1192 ईस्वी से बनाना शुरू किए थे 1210, यानी टोटली 18 साल तक तकरीबन लग गया था इसको बनाने में। आप देख सकते हैं इतनी ऊंची मीनार को, जो इमारतें हैं बलुआ पत्थर से मिलकर बनाया गया है, आज भी इसकी खूबसूरती में उतनी ही रंगत है जो पहले के जमाने में बनी हुई थी। आज भी देख सकते हैं इसकी रंगत में, इसकी खूबसूरती में थोड़ा सा भी डिफरेंट नहीं हुआ है। आप एनालाइज कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं और अंडरस्टैंड भी हो सकते हैं। आप सच में देख सकते हैं कितना औसम दिख रहा है, और अलग अलग जगह के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, सेल्फी खिंचा रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, अपने फैमिली के साथ में पार्टी कर रहे हैं। सच में वो जो मज़ा है ना, सच बता रहे हैं, यहाँ पे तो मज़े ही मज़े हैं। तो मीनार आते हैं तो अपने पार्टनर के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। देखिए सब लोग जैसे कर रहे हैं, कुछ लोग इधर उधर सब इंजॉय कर रहे हैं, तो आप भी इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि इसी के लिए तो पार्क बनाया गया है, छोटे मोटे गार्डन जैसे बनाए गए हैं। सच में एकदम अमेजिंग है यार, हम अपनी शब्दों से अपनी बातों से आपको समझा नहीं सकते हैं, इतनी इसकी खूबसूरती है। हम कुतुबुद्दीन ऐबक जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं इसलिए, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी इमारत बनाकर चले गए हैं जो हमारे भारत की गौरव शान के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व को बढ़ाता है। सच बता रहे हैं, ये 243 फीट की इमारत को छोड़कर चले गए, जो बनवाकर चले गए, जो जुने में तकरीबन 18 साल का टाइम लगा है, और ये 243 फीट ऊँची है। अगर हमें उर्दू लैंग्वेज की अगर नॉलेज होती तो हम आपको बता भी देते कि सब दीवारों पे क्या लिखा है। सच बता रहे, सब दीवारों पे कुछ ना कुछ उर्दू लैंग्वेज में लिखा गया है। जितनी भी चीजें पुरानी चीजें हैं जिन जो इस्लामिक धर्म के द्वारा बनाया गया, उन सब में कुछ ना कुछ उर्दू लैंग्वेज में लिखा गया है सभी दीवारों पे। आप देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। कुतुब मीनार में इतने टाइम से घूम रहे हैं, बट एक बात आपको बताना भूल के, यहाँ पे सबसे मजेदार बात क्या है ना कि अगर आप अकेले आते हैं तो मजा आप उतना ज्यादा नहीं उठा सकते, मजे का लुत्फ उतना नहीं ले सकते। अगर आप किसी पार्टनर के साथ में आते हैं या फिर किसी अपने के साथ में ना, जो मजा है वो सच में अकेले नहीं है। हम तो कहीं भी जाते हैं एकदम बिंदास अकेले जाते हैं। आपने देखा, हम आपको कुतुब मीनार के बारे में सब चीजें आपको हम दिखा दिए। अब चलते हैं अपने घर पे, क्योंकि और भी बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, आज अपने गांव के लिए भी निकलना है। आप देख ही रहे हैं क्योंकि आज मैंने क्लास डे है। इसमें हम तो निकल चुके हैं एग्जिट डोर से, मतलब जो निकास दरवाजा होता है वहाँ से निकल रहे हैं एग्जिट डोर से। अब चल रहे हैं, फिलहाल हमें जा करके अपनी वो डायरी लेनी है, क्योंकि डायरी मेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जहाँ जहाँ हम घूमे हैं, जहाँ जहाँ क्या 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 मिला है, सब चीज़ें ए टू जेड बारे में हम वहाँ पे लिखे हैं। अगर वो डायरी खो गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए जो डायरी मेरी जमा है उसको लेना तो जरूरी। देख सकते हैं जो मेरी डायरी जो मतलब जमा हुई, तो मेरी डायरी मिल गई। अब चल रहे भाई क्या करें, टाइम भी हो चुका है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।